रामदेव जी से प्रार्थना करते हैं और ये हमारे केकड़ी शहर की शान रही है। फिलहाल यदि हम बात करें तेजा मेले के इतिहास की, तो प्रचलित दंत कथा के अनुसार सुधी दशमी पर आयोजित तेजा मेला वीर तेजा जी की याद में मनाया जाता है। माना जाता है कि तेजा दशमी के दिन ही लोक देवता तेजा जी गौवंशों की रक्षा करते हुए अपने वचनों को निभाने के लिए एक सर्प नाग के डसने से शहीद हुए थे, तभी से उन्हें लोक देवता के रूप से जाना जाता है। विशेष रूप से पशुपालक तेजा जी को अपना आराध्य देव मानते हैं। तेजा मेले के अवसर पर क्षेत्र के लगभग सभी गांवों से अलगोजों की धुनों के साथ नाचते गाते लोग बिंदोरियों के रूप में तेजा जी के थान पर पहुंचते हैं। ऐसे में पूरा वातावरण एक अलग ही एहसास दिलाता है, साथ ही लोगों में वीर तेजा जी के प्रति आस्था व विश्वास को भी महसूस कराता है। HBC न्यूज केकड़ी। और इस पर हमें ज्यादा जानकारी देने के लिए जुड़ चुके हैं हमारे संवाददाता शैलेंद्र नसीराबाद से। शैलेंद्र, नसीराबाद में किस तरह से मेले का आयोजन किया गया है? नसीराबाद के पास में एक रामपुरा तेजाजी धाम है जी। इस तेजाजी धाम पर राजस्थान के नहीं बल्कि दूर दराज के लोगों का सैलाब उमड़ पड़ता है। आज के इस सैलाब को देखकर लगता है कि लोगों में धार्मिक भावना अभी भी उतनी ही जागृत है जी। कोई कमी नहीं आई है धार्मिक भावना में। दूर दराज के लोग बाग झंडे लेकर यहाँ पहुँच रहे हैं। कई संत महात्मा भी इस धार्मिक स्थल पर पहुँच चुके हैं और चौकी आई हुई है। लोगों की श्रद्धा यह है कि यहाँ पर नारियल और प्रसाद का भोग लगा रहे हैं जी। और दूर दराज के लोग बाग कई पैदल भी आ रहे हैं यहाँ पर झंडे ले लेकर जी। अगर शैलेंद्र बात करें तो नसीराबाद में जो मेले का आयोजन किया जा रहा है, इसमें खास विशेषताएं इस मेले की क्या है? इस मेले की विशेषता है कि ये पहले बहुत ग्रामीण क्षेत्र का माना जाता था। ग्रामीण लोग ही तेजाजी को पूजा पाठ किया करते थे और वही लोग बाग आते थे। लेकिन जहाँ रामपुरा तेजाजी धाम मेले पर जहाँ खड़ा हुआ हूँ इस समय, यहाँ पर शहरी लोग भी बहुत नजर आ रहे हैं। ग्रामीण की तुलना में शहरी लोग भी नजर आ रहे हैं, जिससे लगता है कि तेजाजी की शहरी लोग भी पूजा करने लगे हैं जी। और शैलेंद्र, आपने बताया कि यहाँ पे काफी सारे संत महात्मा भी पहुँच रहे हैं जी। यहाँ पर पास में भीलवाड़ा, जयपुर, अजमेर, यहाँ के कई संत महात्मा और कई मौन गुरु लोग जो होते हैं वो भी यहाँ पर पूजा करने के लिए पहुंचे हैं। जगत गुरु का भी यहाँ पर पहुंचने का है, श्री जी महाराज का, इनका भी कार्यक्रम प्रस्तावित है यहाँ पर और जिसकी तैयारियां चल रही है। और भीड़ इतनी ज्यादा लगी हुई है कि यहाँ पर पेड़ रखने की या एक दूसरे को बातचीत करने में भी काफी व्यवधान हो रहा है। माइक पर कंटिन्यू अपने बच्चों को संभाल कर रखने का। लेकिन एक खासियत इस मेले में ये देखने को मिल रही है कि इस माहौल के अंदर अभी तक किसी के कोई जेवर खोने या जेब कटने की वारदात अभी तक, क्योंकि सभी यहाँ जिस व्यक्ति में भाव आता है वो सांप का भाव आता है जी। बासक बाबा जिसको कहते हैं उनका भाव आता है और सांप के डर के कारण यहाँ पर किसी प्रकार की या फिर वारदात करने के लिए कोई भी हौसला नहीं कर पा रहा है जी। जी जी, फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद आपका शैलेंद्र इस सारी जानकारी के लिए। तो नसीराबाद से हमारे संवाददाता जुड़े थे, जो बता रहे थे कि नसीराबाद में भी किस तरह से तेजाजी के जो मेला है उसकी धूम मची हुई है और वहां श्रद्धालु लगातार पहुंच रहे हैं और कई संत महात्मा भी मेले में पहुंच रहे हैं। और अब हमसे ज्यादा जानकारी देने के लिए जुड़ चुके हैं हमारे संवाददाता रवि टेलर टोंक से। रवि, टोंक में किस तरह से मेले का आयोजन किया गया और यहाँ मेले में क्या क्या विशेषताएं हैं? देखिए सुनीता, कई जगह यहाँ पर मेले बने, चाहे सुरेली का मामला हो, चाहे सिरोही का मामला हो, चाहे उखलाना का मामला हो जी, तेजादशमी की विशेष मान्यता है ग्रामीण क्षेत्रों में। लेकिन चमत्कारी घटना दो जगह देखने को मिली। जब टोंक, पुरानी टोंक क्षेत्र के अंदर जो है जी, तालाब के किनारे चार नाग नागिन के जोड़े दर्शन के लिए निकले और लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। लोगों को ऐसा लग रहा था कि साक्षात तेजा जी जो है उन्हें दर्शन देने के लिए आए हैं। एक छोटी सी जगह पर जो है अलग अलग क्षेत्रों के अंदर जो है चार नाग नागिन के जोड़ों का आना जो है लोगों का आस्था का केंद्र बना हो गया। लोगों ने वहां लाकर दूध रखा, लोगों ने वहां ढोक लगाना शुरू कर दिया और मेले जैसा माहौल बन गया सुनीता जी। और अभी अगर बात करें रवि वहां मेले की, तो उसमें फिलहाल कैसा माहौल बना है? क्या जो श्रद्धालुओं की भीड़ है वो लगातार बढ़ रही है?
हजारों की तादाद में सिरोही, उखलाना और सुरेली पर जो है वहाँ लोग पहुंचे हैं, श्रद्धालु पहुंचे हैं। टोंक जिले का सबसे बड़ा जो मेला है वो सिरोही में भरता है, जहाँ लगभग 1 लाख लोग जुटते हैं। वहीं सुरेली एक गांव है जहाँ पर जो उखलाना जो तेजा जी का मेला भरता है, उस मेले में एक चमत्कार सा होता है कि जब एक जो जिसे घोड़ला जिसे बोला जाता है वो अपनी जीभ को एक काले नाग से डसवाता है, और ये परंपरा कई सालों से चली आ रही है, आज भी वो परंपरा जो है उसका निर्वहन होगा। ठीक 5 बजे की जब इस तरह की का कार्यक्रम होगा, जब जो घोड़ला है वो काले नाग से जो है अपने आप को डसवाएगा, अपनी जीभ को डसवाएगा, और फिर उसे वापस पहुंच आ जाएगा, और लोग तेजा जी महाराज की जयकारों के साथ जयकारा लगाने लगते हैं। जी जी जी, फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद आपका रवि सारी जानकारी के लिए। तो टोंक से हमारे संवाददाता रवि जुड़े थे, जो बता रहे हैं कि टोंक में भी लगातार जो श्रद्धालुओं की भीड़ है वो बढ़ रही है, और यहां तक कि जो नाग नागिन के जोड़े देखे गए हैं 4, उसे लेकर विशेष कौतूहल का माहौल बना रहा। और संस्कृति दर्शन में आज इतना ही, बाकी खबरों के लिए बने रहिए HBC News के साथ। नमस्कार।